नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यू में। देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो यूपी को जीतने के लिए पूर्वांचल को जीतना बहुत जरूरी माना जाता है। इसी फॉर्मूले से लगातार दो लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली बीजेपी मिशन 2022 के लिए पूर्वांचल में पैट बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल में चुनावी माहौल बनाने की कवायद भी लगातार वो कर रहे हैं। किसान आंदोलन और लखीमपुर कांड को लेकर पश्चिमी यूपी और तराई बेल्ट और अवध के इलाकों में सरकार के खिलाफ माहौल काफी गर्म है। वहीं पूर्वांचल बीजेपी का अभी भी मजबूत गढ़ माना जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का सांसद होना और गोरखपुर से सीएम योगी का होना है। ऐसे में पूर्वांचल में पीएम मोदी ने बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद रहे, राज्यपाल भी मौजूद रहीं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि बुद्ध की धरती से विकास आज हुआ है। तमाम मेहमान भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर बाद जुड़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और इसके बाद अभिधम्म दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस एयरपोर्ट के बन जाने से अब दुनिया के हर कोने से कुशीनगर आना आसान होगा। भगवान बुद्ध का बौद्धित्व और सेंस ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि जो कुछ हो रहा है उसमें यदि हम अपना सकारात्मक पक्ष रखेंगे तो हमारे अंदर जिम्मेदारी का भाव आएगा। भगवान बुद्ध हर जगह है और भगवान बुद्ध दिशाओं और सीमाओं से परे रहे हैं। भगवान बुद्ध का समर्पण हम सब के लिए प्रेरणा है। जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध के विचार को आत्मसात किया गया है, वहाँ कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी रास्ते बने हैं। इससे पहले आपको बता दें, उन्होंने यूपी के तीसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर का उद्घाटन किया और इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बौद्ध धर्म की आस्था का केंद्र है। मुझे दोहरी खुशी है कि पूर्वांचल के प्रतिनिधि होने के नाते ये घड़ी पूरी हो रही है। भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को विकसित करने के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के निर्माण पर भारत द्वारा आज विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 3-4 सालों में कोशिश है कि 200 से ज्यादा एयरपोर्ट, हेलीपैड, सी प्लेन की सर्विस चालू हो सके। कुशीनगर एयरपोर्ट बनने से किसान, पशुपालक, दुकानदार, श्रमिक सभी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। व्यापार के साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलने जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। एक क्षेत्र का ये सेंटर पॉइंट कैसे है ये हम आसानी से समझ पाए। कपिल वस्तु भी बिल्कुल पास में ही है। भगवान बुद्ध ने जहां पहला उपदेश दिया, वो सारनाथ की भूमि भी 100-250 किलोमीटर के दायरे में ही आ जाती है। जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बोध गया भी कुछ ही घंटों की दूरी पर है। ऐसे में ये क्षेत्र सिर्फ भारत के ही बौद्ध अनुयायियों के लिए ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, जापान, कोरिया, ऐसे अनेकों देशों के नागरिकों के लिए भी एक बहुत बड़ा श्रद्धा का और आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। इससे पहले बता दें आपको, यहां श्रीलंका की पहली फ्लाइट ने एयरपोर्ट पर लैंड किया और फ्लाइट से श्रीलंका के खेल मंत्री नमल राजपक्षे के साथ ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 125 सदस्य प्रतिनिधि मंडल भी वहां पर पहुंचा, जिनका सीएम योगी ने स्वागत किया। आपको बता दें कि एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद पीएम कुशीनगर में महापरिनिर्वाण बुद्ध मंदिर भी गए और मंदिर परिसर में 40,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया था।
ऐसे में दर्शन के बाद श्रीलंका और भारतीय बौद्ध भिक्षुओं को चीवर दान प्रधानमंत्री ने उन्हें संबोधित भी किया। आपको बता दें कि वो बुद्ध के शांति संदेश के सहारे पूरी दुनिया को साधेंगे। उद्घाटन के दौरान श्रीलंका के मेहमानों का स्वागत पूर्वांचल के मशहूर काला नमक चावल से बने बुद्ध प्रसाद से किया गया था। साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कुशीनगर से दिल्ली की हफ्ते में 4 फ्लाइट की सेवा 26 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इसके बाद आर्थिक राजधानी मुंबई से भी सीधी उड़ान की व्यवस्था करवाई जाएगी। और आज हमारे 54 करोड़ बुद्ध धर्म के भक्तों को ये कुशीनगर हवाई अड्डा समर्पित करने के लिए पीएम यहाँ पर उपस्थित है। कुशीनगर देश की राजनीतिक राजधानी, कुशीनगर देश की आर्थिक राजधानी और कुशीनगर कोलकाता के साथ भी जोड़ी जाएगी। हमारी सोच विचारधारा है कि विकास और प्रगति के पथ पर हम लोग अग्रसर हों। और जो 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने यहां आकर आप सबसे कहा था कि आपके आशीर्वाद को कर्ज और ब्याज समेत विकास कार्य के साथ लौटाया जाएगा। वहीं सीएम योगी ने कहा कि आज हम सबके लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज शरद पूर्णिमा के साथ आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की भी जयंती है। साथ ही बौद्ध धर्म का थमन दिवस है। आजादी के बाद से उपेक्षित पूर्वांचल को आज एक उपहार प्रधानमंत्री के द्वारा मिला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भगवान बुद्ध की स्थली रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री ने यही बात यूएन में भी कही थी कि दुनिया ने युद्ध दिया हो लेकिन भारत ने बुद्ध दिया है। और आज ये हम सबका सौभाग्य है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई उड़ान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका सानिध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कितने फायदे हैं। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसी, गाइड जैसी सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ेगी और इन क्षेत्रों में नए लोगों को रोजगार मिलेगा। 5 सालों में 18 प्रमुख बौद्ध देशों से 42 लाख से ज्यादा पर्यटक कुशीनगर आए और अब इनकी संख्या में और बढ़ोतरी होगी। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जापान, चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम समेत दर्जनों दक्षिण और पूर्वी एशियाई देशों से सीधे एयर कनेक्टिविटी होगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की सेवा से बौद्ध सर्किट के 4 प्रमुख तीर्थ लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और अन्य तीर्थ श्रावस्ती, कौशाम्बी, शंकीशा, राजगीर, वैशाली की यात्रा भी पर्यटक कम समय में कर सकेंगे। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने से इसका सबसे ज्यादा फायदा पूर्वांचल के 13 जिलों और पश्चिमी बिहार के 10 जिलों के लोगों को मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी तक लोगों को इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने के लिए कम से कम लखनऊ यानी कि 300 किलोमीटर दूर का सफर तय करना पड़ता था। वहीं अगर दिल्ली और मुंबई से फ्लाइट हो गई तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। मगर कुशीनगर एयरपोर्ट शुरू होने से लोगों को 50 किलोमीटर दूरी से इंटरनेशनल फ्लाइट भी मिलने लगेगी जिससे उनका पैसा और समय दोनों की बचत होगी। विकास के ऐसे ही आयामों की संभावनाओं वाले कुशीनगर एयरपोर्ट से श्रीलंका का एयरपोर्ट, सिंगापुर के चांगी, थाईलैंड के बैंकॉक, जापान के टोक्यो और म्यांमार के यंगून एयरपोर्ट समेत 13 देशों के लिए सीधी उड़ान होगी। चीन और दक्षिण कोरिया के यात्री सिंगापुर और वियतनाम, साथ ही भूटान और कंबोडिया के यात्री बैंकॉक एयरपोर्ट से सीधे उड़ान भर सकेंगे। इससे काफी बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं को भी फायदा मिलेगा और उन्हें बौद्ध सर्किट जाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो कुशीनगर पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा जिला है जहां से राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। ऐसे में गोरखपुर से सटे होने की वजह से कुशीनगर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी पूरी निगाहें रहती हैं। वहीं ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुशीनगर में रैली को संबोधित कर रहे थे तो इसका संदेश पूरे पूर्वांचल में देने की कोशिश की थी। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें बीजेपी से प्रवक्ता अश्वनी शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता
कीर्ति निधि पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब कांग्रेस प्रवक्ता भूदेव शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार एके मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। अश्वनी जी, शुरुआत आपके साथ करूंगी मैं। आज कुशीनगर को ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने दी है, मिशन 2022 की शुरुआत उन्होंने वहां से कर दी है। पारुल जी, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत से कार्यक्रम होते रहते हैं और हम लोग इसको मिशन की शुरुआत करना कहें या उत्तर प्रदेश को एक विकास की सौगात की बात करें, हम तो अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जो है अगर प्रदेश में आ जाते हैं, कोई भी बड़ा नेता, सब लोग कयास यही लगाते हैं ये चुनाव की शुरुआत हो रही है, तो इसका मतलब तो हम लोग तो हमेशा अपने लोगों के लिए जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं वहां से लेकर और माननीय मंत्री जो और चाहे केंद्र के जो हमारे पदाधिकारी हैं सबका सम्मान और सबका ख्याल रखते हुए अनेकों नेक और उत्तर प्रदेश में खास करके 24 करोड़ जनता की सेवा में अनेक विकास योजनाओं का कार्यक्रम किया करते हैं जी। तो इसको चुनाव की शुरुआत ना मानी जाए, क्योंकि अभी देखिए पीछे भी हुआ था कार्यक्रम, अभी 4 दिन बाद भी एक कार्यक्रम होना है सिद्धार्थनगर में और बनारस में, तो अब तो कार्यक्रम लगे ही रहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को जी। लेकिन एक विकास में जो जी पारुल जी लेकिन अश्वनी जी, पूर्वांचल को बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। देखिए बीजेपी का तो पूरा प्रदेश मजबूत गढ़ है, 300 से ऊपर सीट हमको पूरे उत्तर प्रदेश ने मिलाकर दिया था, जिसमें पूर्वांचल का भी योगदान था और पश्चिमांचल का भी योगदान था, तो पूरे उत्तर प्रदेश में इसीलिए हम चारों तरफ हमारे पीछे के जो मुख्यमंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री जी लोग हुआ करते थे ना, बिजनौर और नोएडा तक जाने का इजामत नहीं करते थे कि हमारी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी, लेकिन उस मिथक को तोड़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश में हर जिले में कम से कम 2 से 3 बार 4 बार दौरा करने का काम किया और हर जिले को विकास की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी इतनी विकास कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो हमेशा यही कहता है कि बीजेपी की सरकार में कोई विकास ही नहीं हुआ। पारुल जी, एक गाना बना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो विपक्ष तो कुछ कहेगा ही, क्योंकि तथ्य तो है नहीं उसके पास, मुंह खोलने के लिए क्या है। आज देखिए लोग कुछ भी अगर एक जो है पहले होता था, हम लोग छोटे थे तो आजकल तो गिद्ध थोड़े से कम आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो पहले जब एक जानवर कोई कहीं पर फेंक किया जाता था तो गिद्ध चारों ओर मंडराने लगते थे, तो उनके पास कुछ था नहीं, उनको वही देखते रहते थे कहां जानवर था रहा। तो विकास के कार्यों में हम इतने लिप्त हैं कि विपक्ष क्या कह रहा है हमको पता नहीं, विपक्ष मंडराता रहे गिद्धों की तरह, हम आगे बढ़ते जाएंगे। और आज देखिए 5 साल सपा की सरकार रही जी, इनके नेता कहते हैं कि हमने किया और इन्होंने फीता काटा, भाई बिल्कुल इसी पर आ रही थी मैं अश्वनी जी, इसी पर आ रही थी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि एक ईंट नहीं लगाई और फीता लेकर आ गए भाजपा ही, आज यही ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। तो मैंने उनके ट्वीट का जवाब भी उनके ट्वीट पर दिया है कि जहां पर उन्होंने कहा ना कि ये उत्तर प्रदेश की नहीं, इनकी नहीं है, तो जमीन जहां पर हम और वो पैदा हुए हैं वो हमारी और उनकी नहीं है जी। कि कोई अस्पताल रहा होगा, कोई चर्च रहा होगा, कहीं कुछ रहा होगा, वहीं पैदा हुए होंगे, तो इसलिए मेरा मानना है, आप सुनिए ये सच्चाई है, इसमें माननीय अखिलेश जी का कोई हाथ नहीं है। अगर होता तो अगर ये गुलाम नबी आजाद जी ने इसका शिलान्यास किया, कब किया ये देखने वाली बात है, और आज 5 साल में इन्होंने क्या कर लिया, जमीन का अधिग्रहण नहीं कर पाए, ये जमीन का अधिग्रहण माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद हुआ और वो तो चारों बिल्डिंग बनाई गई, बाउंड्री हुआ, सब कुछ हुआ है और आज उसका उद्घाटन करके देश को समर्पित कर दिया गया। चलिए फालतू की बात करते हैं ये लोग, विकास के नाम पर पूरे प्रदेश को भ्रमित करते हैं ये। चलिए ठीक है अश्वनी जी, कीर्ति निधि पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी, आज ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने कि एक ईंट नहीं लगाई और फीता लेकर आ गए भाजपा ही। देखिए पारुल जी, ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं, ये कुशीनगर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य
समाजवादी पार्टी के सरकार में शुरू हुआ, उसके धन की व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। सरकार हमारी चली गई, आज इनकी सरकार है, ये उसका उद्घाटन कर रहा है। और जो अश्विनी साई जी कर रहे हैं विकास की बात, विकास क्यों नहीं किए भारतीय जनता पार्टी के लोग? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत विकास किया और उस विकास की चर्चा नहीं करते। गैस के दाम इतने बढ़ाए, इतना विकास किया कि 400 से 1000 हो गया गैस का दाम, उस विकास की चर्चा नहीं करते। 60 रुपए का डीजल 100 रुपए, 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए, इतना विकास किया इन लोगों ने, बेरोजगारी बढ़ाया, भूखमरी में हमारा देश अव्वल हो रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विकास ही है। और ये एयरपोर्ट आज बना है, कब अडानी को जाएगा, ये भी विकास में आएगा, इसको भी बताना चाहिए। 50 एयरपोर्ट पहले भी अडानी को बेच चुके हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी। ये जो बेचने की नीति इनकी है, इससे इस देश के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, उस पर तो चर्चा देश के न प्रधानमंत्री जी करते हैं, न अश्विनी साई जी करते हैं, न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करते हैं। लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार महंगाई बढ़ी है। क्या नारा दिया था इन लोगों ने? इन लोगों ने कहा था बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार आने के बाद 400 का सिलेंडर 1000, 60 रुपए का डीजल 100 रुपए। लेकिन कीर्ति जी, कीर्ति जी वो काम भी तो देखिए जो बीजेपी की सरकार ने अच्छे किए हैं, जो विकास किया है सही में। आपको तो लगता है शायद नहीं किया कुछ, लेकिन जो किया है वो चीज भी तो देखिए, जो योजनाएं लोगों को दी। अगर हम तो जानना चाहते हैं कि क्या तो महंगाई बढ़ाने की इनको छूट है, ये महंगाई बढ़ाते रहे जितना चाहे। जनता त्रस्त है उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश के अंदर महंगाई से, और लगातार महंगाई बढ़ी है, और उस महंगाई का जवाब जनता देने के लिए तैयार हो रही है। धीरे धीरे जनता जवाब दे रही है, और आने वाले 22 के चुनाव में भी इसका जवाब माकूल जवाब मिलेगा इनको। चलिए ठीक है कीर्ति जी, ठीक है। अश्वनी जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। अश्वनी जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। अश्वनी जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक, शायद माइक ऑफ है आपका। जी सूचकांक, सूचकांक की बात ना करें, लेकिन अगर एक आम जनता की मैं बात कर रहा हूं तो ठीक है, कुछ महंगाई बढ़ी है, मैं इनसे सहमत हूं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, ये 400 का गैस का इन्होंने कहा दाम 1000 हुआ है, ये 400 कब हुआ और किसने किया था? ये 1 मई 19, अरे सुनिए सुनिए, ठीक है कीर्ति जी, मैं जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए सुन लीजिए, आवाज इको हो रही है, हम आप दोनों बोलेंगे तो नहीं सुनाई देगा। 428 रुपए का गैस 1 मई 2019 को भारतीय जनता पार्टी के एनडीए सरकार के दौरान था, और आपकी जो यूपीए सरकार थी उसमें 1 मई 2014 को 1241 रुपए का गैस था, ये मैं आपको बताना चाहता था। दूसरी चीज, आप अडानी की बात आपने किया, उसका भी जवाब ले लीजिए। रोजा सुन लीजिए सुन लीजिए, अरे सब्सिडी पाती थी, क्या झूठ बोल रहा है साहिब जी, अरे सुन लीजिए सुन लीजिए, 1200 एक मिनट, मैं खुले खुले मंच से, मैं खुले मंच से चैलेंज करता हूँ, एके मिश्रा जी है, पारुल जी है और भूदेव जी है, आप लोग गूगल सर्च करिए, 1 मई 2014 को गैस सिलेंडर का दाम, मैं 1241 की बात कर रहा हूँ, अरे भाई मैं 1241 की बात कर रहा हूँ, मिश्रा जी, भूदेव जी, पारुल जी, मैं सबसे कहूंगा, मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम से कहूंगा कि आप एक मई 2014 को गैस का दाम क्या था आप लोग खुद भी। भारतीय जनता पार्टी की कलाकारी है, झूठ भी नहीं, आप भाई मैं गूगल में झूठ नहीं बोलूंगा, बंद कर लीजिए, आप खुद कर लीजिए पांडे जी, आप खुद कर लीजिए, 1241 रुपया, 1241 रुपया, सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, मैंने खरीदा है 1241 रुपए का, मैंने खरीदा 1241 रुपए का, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मुझे पूरा कर लेने दीजिए कीर्ति जी, बोलने दीजिए अश्वनी जी को, फिर आप अपनी बात रखिएगा। हाँ
एक रोजा गांव में अनिल अंबानी को आपने ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए जमीन दिया फ्री में, क्यों? मुलायम सिंह जी के रिश्तेदार थे वो। मैं बहुत प्रसन्न हुआ उत्तर प्रदेश में ऊर्जा का एक संयंत्र लगा, और किसी उद्योगपति ने अगर हिंदुस्तान के लगाया तो उत्तर प्रदेश का लाभ हुआ। और आप लोग इस पर भी राजनीति करते हैं, अडानी और अंबानी छोड़ के कुछ और नहीं है दूसरा आपके पास? आइए दूसरे, और अभी इसको सर्च कर लीजिए, बाकी चर्चा में आगे मैं आपको बताता हूं। चलिए ठीक है, भूदेव जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए शायद भूदेव जी नहीं जुड़े हुए हैं। एके मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। आज कुशीनगर से पीएम मोदी ने मिशन 2022 की शुरुआत कर दी है, कितना फायदा और नुकसान होने वाला है बीजेपी को और विपक्ष को? देखिए ये बोलना कि ये चुनावों की शुरुआत है, मैं आपको बता दूं 2014 के बाद जब से मोदी की कमान बीजेपी की कमान मोदी जी और अमित शाह ने संभाली है, ये हमेशा जो है इलेक्शन मूड में रहते हैं। बीजेपी हमेशा इलेक्शन मूड में रहती है, कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है किसी न किसी स्टेट पे या नेशनल लेवल का चुनाव। तो मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि कुछ एक्स्ट्रा इफर्ट इन्होंने लिया और चुनाव के लिए कुछ विशेष तैयारियां कर रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि विकास के जो काम हुए हैं यूपी में देखा जाए और पूरे देश में देखा जाए, बीजेपी के पास एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है। फर्क ये है कि पहले चुनाव में ये होता था कि चुनाव के पहले अखिलेश भैया 90 से ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन करते थे, शिलान्यास करते थे जी। और आज क्या हो रहा है कि आज लोकार्पण हो रहा है, पब्लिक को समर्पित किया जा रहा है, उसको एक्टिवेट किया जा रहा है, ये फर्क है। रही बात फर्क कितना पड़ेगा, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। जब चुनाव आएंगे तो ऐसा तो है नहीं केवल यूपी के विकास की बात, बीजेपी ने पूरे देश में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो उपलब्धियां रही हैं वो गिनाएंगे। सपा बसपा क्या गिनाएंगे, 5 साल तो ये घर में बैठे रहे नील बटे सन्नाटा। पांडे जी जो इकोनॉमी की बात कर रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता भी उतना सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाते हैं, कन्नी काटते हैं मैं मानता हूं। चलिए जरा हम पिन पॉइंटेड इकोनॉमी और महंगाई पे बात कर लेते हैं, एक सवाल का जब जवाब दे दें पांडे जी मुझे, 1947 के बाद कोई एक ऐसा साल बताए जहां पे इन्फ्लेशन न बढ़ी हो, महंगाई न बढ़ी हो। 1947 में ₹1 के बराबर होता था ऐसा कहा जाता है जी। आज क्या है, कोई एक साल बताइए जहां पे महंगाई न बढ़ी हो और आपके हिसाब से चीजें बड़ी सुखद हो गई हो, एक्सेप्ट गवर्नमेंट ने सब्सिडी ना दी हो, है कोई? अगर कोई ईयर है तो बताइए सर। मिश्रा जी, पांडे जी बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत सही तरीके से कह दिया कि अखिलेश यादव सिर्फ शिलान्यास करते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको विकास नहीं दिखा अखिलेश यादव जी की सरकार ने, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे देश का प्रयाग अखिलेश यादव जी ने उसका उद्घाटन किया, उसपे एक विमान उतरा, या आपको नहीं दिखा इकाना स्टेडियम बना उसका उद्घाटन समाजवादी पार्टी की सरकार ने? जैसे अभी आपको विकास नहीं दिख रहा है एके मिश्रा जी को, तब नहीं दिख रहा होगा शायद। अरे मेरे सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, एक साल बताइए जिस साल में महंगाई ना बढ़ी हो या महंगाई का नेगेटिव प्रभाव हुआ हो। सर इकोनॉमिक बात करिए, इनको दिखना चाहिए मुझे 1947 के बाद से एक साल बताइए जिस साल महंगाई का नेगेटिव ग्रोथ हुआ। तो क्या महंगाई बाजी में बढ़ना बढ़ने दिया जाए? सर इधर उधर बात मत करिए, देखिए महंगाई बढ़ना, मोदी जी ने क्या नारा दिया था दूसरा साहब? अरे आपके टाइम पे महंगाई नहीं बढ़ी थी जब समाजवादी पार्टी बीएसपी कांग्रेस की? चलिए ठीक है, भूदेव जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से जुड़े हुए हैं, सभी को सुन रहे हैं। एके मिश्रा जी और कीर्ति जी, रुक जाइए, म्यूट कीजिए। एके मिश्रा जी और कीर्ति जी रुक जाइए, जवाब नहीं है। हमें पता है डीजल और पेट्रोल 10 रुपए लीटर था, उसके बाद 30 रुपए लीटर हुआ, 25 रुपए लीटर हुआ, 50 रुपए लीटर हुआ, आप लोगों की सरकारों में हुआ है, कांग्रेस की सरकार। अरे मिश्रा जी सुन लीजिए, किसी की सुन भी लीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता लगवा देते हैं आपके नाम के सामने, आप सुन लीजिए। और लोगों को भी सुन लीजिए, और लोग भी हमारे साथ बने हुए हैं, भूदेव जी। मिश्रा जी आपको बिल्कुल राज्यसभा का सदस्य बनाएंगे, आप दूसरों की भी सुन लीजिए। बोलिए बोलिए सर।
देखो जिस विकास की आप बात कर रहे हो ना, आज पूरे देश को उस विकास के नाम पे हंसी आती है। आप आपको मैं डाटा बताऊंगा, मैं आंकड़े बताऊंगा कि विकास कहां हुआ है। तो कुशीनगर में एयरपोर्ट का उद्घाटन आप कर रहे हो और उसका बनाने के अश्वरी जी आपके पास अभी आऊंगी, आप तब दिखाइएगा, बहुत देर से कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे आऊंगी। दूसरी जगह पे बना के दिया जाए, आपको तो ये है कि अखिलेश भैया के परिवार को दे दिया जाए तो आप खुश रहेंगे, तो बनाइए ना अडानी अंबानी। अरे तोने मिश्रा जी पूरी बात सुनिए ना, एके मिश्रा जी पर सुन लीजिए ना, एके मिश्रा जी आपको समय दिया था, अभी दूसरे की बात भी सुन लीजिए, बोलिए भूदेव जी। मैंने इतनी देर से इनको सुना, इतना टाइम इनको सभी को सुना, अब मेरी भी बात सारी सुनिए। जिस विकास की आप बात कर रहे हो और जिस महंगाई की बात कर रहे हो, वो सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन आपको धैर्य पूर्वक सुनना पड़ेगा। क्योंकि आप ये मानिए कि जो बेरोजगारी 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ रही है, वो 1947 में कभी नहीं तोड़ी, सुनना पूरी बात को। जो भुखमरी के सूचकांक में जो आज हम 101वें नंबर पर, वो पहले कभी नहीं हुआ। जिस आंशिक लोकतंत्र में आज हम आ गए, वो पहले कभी नहीं हुआ। जिस हैप्पीनेस इंडेक्स में आज हम अपने पड़ोसी देशों से पीछे, वो पहले कभी नहीं हुआ 70 साल में। सुनिए पहले आप, जब केवल कुछ पैसे भरते थे तब आप लोग सड़कों पर सिलेंडर लेके और निकल जाते थे, नाच करने लगते थे। आज जहाँ 70 रुपए पेट्रोल हुआ करता था, वो आज 70 लगा गया, 300-400 से 1000 रुपए पहुंच गया। और आप बोल रहे हो जो 70 साल में 300 रुपए हुआ, वो 7 साल में 1000 क्रॉस कर गया, और आप बोल रहे हो कि महंगाई नहीं बढ़ी। लोग 96% लोगों की इनकम कम हो गई और आप बोल रहे हो कि महंगाई उसके अनुरूप 4 गुना बढ़ गई, 5 गुना बढ़ गई। जब लोगों की इनकम भी बढ़ रही तो महंगाई कैसे बढ़ रही है? पहले लोगों की इनकम भी बढ़ती थी तो महंगाई बढ़ती थी, आज इनकम कम हो रही है लेकिन महंगाई बढ़ रही है। दूसरी बात, अब पूरा देश जान चुका है कि ये हम दो और हमारे दो की सरकार है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है। इसलिए आप इस विकास की बात मत कीजिए, इस विकास के नाम से लोगों को नफरत हो गई है। क्योंकि ये जो विकास 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 बोल के आपने जो देश को लूटने का काम किया है, भूदेव जी विकास हो नहीं रहा है क्या? भूदेव जी भूदेव जी क्योंकि देखिए आज बात कुशीनगर की हो रही है, आपसे बस भूदेव जी मेरी बात भी सुन लीजिए, बहुत देर से आप बोल रहे हैं कुशीनगर की आज यहाँ पर बात हो रही है। आपसे बस ये जानना चाहूंगी कि अब जो आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री ने ये उद्घाटन किया है, क्या इससे लोगों को रोजगार या फिर और कारोबार नहीं मिलेगा? भूदेव जी अरे मैंने बताया आपको, पूरा देश जानता है कि इसको अभी अडानी जी को बेचा जाएगा, सरकारी पैसे से आप एयरपोर्ट बनाओगे, सरकारी पैसे से आप रेलवे बनाओगे, सरकारी पैसे से आप सड़क बनाओगे, और उसके बाद आप अडानी और अंबानी को बेचोगे। चलिए ठीक है अश्वनी जी से जवाब लेंगे इसका, अश्वनी जी से पूछेंगे। कहाँ मिलेगा? प्राइवेट रोजगार मिलेगा? अडानी जी रोजगार देंगे? अडानी जी हमें रोजगार देंगे? जब सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है तो अडानी जी हमको क्या रोजगार देंगे? चलिए ठीक है अश्वनी जी, बोलिए। आप बहुत देर से कुछ दिखा भी रहे थे अपने मोबाइल में, और जो भूदेव जी ने कहा उसका भी जवाब दीजिएगा। पारुल जी मैं पहले कीर्ति भाई को बता दूं, 2014 जनवरी 1 से मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, और दिल्ली कलकत्ता चेन्नई और मुंबई का हमारे पास रेट है गैस का, और मेरे पास नहीं है आपके मोबाइल में भी है। 1 जनवरी 2014 जो मैंने कहा 1241 रुपया दिल्ली में, 1270 रुपया मुंबई में, 1264 रुपया चेन्नई में और 1234 रुपया मुंबई, ये चार जगह। हमारी सरकार आई है 14 में 1 जून की मैं बात कर रहा हूं, शपथ लेने के बाद 905 रुपये हमारा सिलेंडर था, और शपथ 1 मई 2014 को 928 रुपये था दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं जी। उसके बाद हम लोगों ने 880-752, और आ जाते हैं हम 2019 में, दूसरी सरकार जब हमारी आई है, इसके बाद जनवरी 19 में 689 में, उसके बाद आप जो है आ जाइए 1 अक्टूबर को 605 रुपए, और आज हम 1000 रुपए का बिक रहा है, ये सत्य जी। लेकिन 1241 आपने बेचा है और आप उसके सहयोगी रहे हैं कांग्रेस।
दूसरी बात मैं कह रहा हूं, दाल आपके सरकार में जो यूपीए की सरकार थी 200 रुपए से ऊपर आम भारतीय ने खरीदा है, जो आज 80 और 90 रुपया दाल खरीद रहा है। मैं मानता हूं आपकी तरह मैं बेशर्मी की बात नहीं करूंगा जैसे कांग्रेस और सपा करती है, कुछ चीजों पर महंगाई है। आपसे बड़ा बेशर्म तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आज आपने देश को लूट के रख दी। अब जो विकास है सब मेरा, मैंने तो बोला नहीं, आप सुन लीजिए, जो विकास आप मुझे ये बताइए कि भारत सरकार की खुद की एयरलाइंस नहीं है और आप एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हो, ये ठीका काट काट के फोटो खींच के कल तक फोटो खिंचवाते रहोगे। अरे जब तक जो है इंदिरा गांधी और उनके खानदान के पापों को नहीं धो लेंगे, जो जो पारसी मुस्लिम और देखिए देखिए अश्वनी जी और भूदेव जी, अगर अभी हम आज जो टॉपिक है उस पे बात करें वही सही है, नहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं इनका चरित्र अब दिखाई दे रहा है, जवाब नहीं बनता। देखिए मुद्दे से भटक रहे हैं आप सभी मुद्दे से भटक रहे हैं। अगर हम आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसी पे बात करेंगे तो ही अच्छा होगा। आप बजट बनाने वाले समाजवादी लोग, मैंने उसी टॉपिक की बताया कि आज अपना एयरलाइंस नहीं है और ये एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी की। अरे आप इंदिरा गांधी के पैर के धोवन नहीं हो सकते। आप सुनेंगे, जवाब सुन ले उसका। भ्रम मत फैलाइए, जवाब जाने दीजिए। पूरे देश में कोई भी एयरपोर्ट नहीं बिका है, ये आप जाकर आरटीआई लगा लीजिए अगर हिम्मत है तो। सारा एयरपोर्ट लीज पर गया है और सरकार को एकमुश्त रकम आई है। और बताता हूं मैं, जो आपने अभी कहा कि अपना एयरपोर्ट, एक भी एयरलाइन अपनी नहीं है, आप लोगों के बड़े अच्छे निर्णय थे। अरे निजी कार और बिक्री में अंतर क्या है? जब सरकार के पैसे से कुछ बनाया जा रहा है, आम आदमी के पैसे से, आम आदमी के टैक्स से, तो उसको अडानी को देने की क्या जरूरत है? अडानी को क्यों बेचा जाता है? ये नहीं, ये अडानी और अंबानी को क्यों बेचे जाते हैं? जैसे दिल्ली स्टेशन आपका हो, इधर पैसे से क्या आपने तो बेच दिया? अडानी अंबानी को बोलिए ना, नया बनाए। अरे भाई भूदेव जी पहले सुन लीजिए एक बात। भूदेव जी जा रहे हो, भूदेव जी का निजीकरण किए जा रहे हो, आप लोग इस आम आदमी के पैसे को अडानी और अंबानी को दिए जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। देश की 80% जनसंख्या गरीब है, हम 101 में नंबर पर पॉइंट उतार रहा हूँ, इसलिए ये लोग की कलाई खुल रही है। आज कांग्रेस का जो है, कांग्रेस को मैं नंगा कर रहा हूँ। तुम्हारी तो नेकर उतर गई, जो तुमको पेंट लेनी पड़ी, तुम्हारी तो नेकर उतर गई। अश्वनी जी और भूदेव जी आप दोनों रुक जाइए और सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, इस तरह की बातें नहीं होंगी यहाँ पर। कीर्ति जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। भूदेव जी रुक जाइए, आपको मौका दे दिया, बाद में आऊंगी, तब आप अपनी बात रखिएगा। अश्वनी जी पहले आपने बोला, नहीं पहले आपने गलत शब्दों का उपयोग किया। अब ठीक है, इस बात पे मत लड़िए, पहले किसने किया, आप किसने किया, इस बात पे मत लड़िए, रुक जाइए आप दोनों। अश्वनी जी और भूदेव जी रुक जाइए, कीर्ति जी आपके पास आना चाहूंगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कुशीनगर में जनता को संबोधित किया तो उन्होंने एक बात कही कि पहले की सरकारों के गरीब जो थे वो काफी परेशानी में थे और इनकी पहचान समाजवादियों की नहीं परिवारवादियों की है। देखिए प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर देख नहीं पाते हैं। माननीय कल्याण सिंह जी अब नहीं इस दुनिया में। माननीय कल्याण सिंह जी अगर राज्यपाल थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाए गए, तो उनका बेटा उनके क्षेत्र से एमपी है, उनका पोता इन्हीं की सरकार में मंत्री है। लालजी टंडन मध्य प्रदेश में राज्यपाल थे, उनका बेटा यहाँ एमएलए मिनिस्टर था। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री है, उनका बेटा यहाँ एमएलए है। ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता क्या? ये माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता? ये भी परिवारवाद की श्रेणी में है। और जो भी विकास की बात और गरीबी की बात
माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, इनकी सरकार आने के बाद भूखमरी की तादाद बढ़ी देश के अंदर, और जो रैंकिंग जारी हुआ उसमें छलांग लगा दिया भारत ने, और इस पे सर नहीं आती सरकारों को, ये दूसरी से कंपेरिजन करके अपने को बेहतर बनाने का काम कर रहा है। और मैं फिर इस बात पे कहूंगा कि सरकार में महंगाई बेरोजगारी दोनों बड़ी तालाब में बढ़ी है, और जरूरत क्या है नहीं कीर्ति जी, जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है क्या लोगों को उनका लाभ नहीं मिल रहा? ऐसे से एयरपोर्ट बन रहे हैं वो व्यापारियों को क्यों लेट में दिए जा रहे हैं? क्या सरकार चलाने में अक्षम है? कीर्ति जी आपने तो कह दिया कि बेरोजगारी है, महंगाई है, चलिए ठीक है मान लेते हैं, लेकिन अब जो ये कुशीनगर में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है और जो परियोजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया है, प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया है, अब क्या वहां पर क्या रोजगार नहीं बढ़ेगा, कारोबार नहीं बढ़ेगा क्या इससे? देखिए जो लोकार्पण है वो तो आज दिख रहा है जी। और इसकी शुरुआत में फिर कहा कि पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू हुआ था नेशनल एयरपोर्ट बनने का, आज वो पूर्ण हुआ उसका उद्घाटन जी। लेकिन जो डेवलपमेंट की बात, जो कर रोजगार, जितने शिलान्यास हुए वो सिर्फ चुनावी शिलान्यास है, आज जितने शिलान्यास हो रहे हैं एक भी पूर्ण होने की स्थिति नहीं है। ये पिछले 5 सालों में कोई बड़ी योजना, कोई बड़ा विकास, कोई बड़ा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बता सकते। सरकार बनी थी 2017 में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेट्रो चलेंगे 4-5 जनपदों में, तभी हम लोगों ने कहा था कहीं नहीं चलेगा, लेकिन आज तक सरकार अंतिम चरण में है, एक भी जनपद में मेट्रो नहीं बन पाया। हाँ इन्होंने डेवलपमेंट में क्या किया, इकाना स्टेडियम का नाम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम नाम बदलने के माहिर, और फीता काटने के दूसरे के काम में माहिर, कहीं मेट्रो बनाए हो नहीं, अगर नाम बदले जा रहे हैं तो उससे आपको दिक्कत क्या हो रही है? नाम बदले भी जा रहे हैं तो फिर परेशानी क्या है इसमें? नया स्टेडियम बना के नाम रखे ना, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में स्टेडियम बना उस पे नाम बदलने से क्या फायदा? कोई और स्टेडियम बनवाते, उससे बड़ा स्टेडियम बनाते, उस पे अपना नाम लगाते। चलिए ठीक है कीर्ति जी, बोलिए अश्वनी जी। पारुल जी सपा के लोग जो है भाई प्रदेश में कुछ काम किए होंगे, 5 साल तो बैठे नहीं रहेंगे, जनता को जवाब देना होता है। आज जो काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में, अभी 2-3 दिन पहले गति शक्ति मिशन का जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शुभारंभ किया जी। अब ये लोग अभी पूछ दे तो इन लोगों को नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग जो है अभी उस विकास की चीजों तक ये पहुंच ही नहीं पाएंगे। अश्वनी जी अभी कीर्ति जी ने कहा कि कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ बीजेपी की मैं वही बता रहा हूं। पारुल जी मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए और ये पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताऊंगा, कोई बीच में ना बोले तो चीज समझ में आएगी जी। गति शक्ति मिशन जो है कोई नया नहीं है कि 100 लाख करोड़ का कोई योजना जो है आ जाएगी और कहीं से पैसा कोई आ रहा है। इसी हिंदुस्तान में 16 विभागों को एक दूसरे की जानकारी देने के लिए एक वेबसाइट एक तरह से बना दिया गया, वो डिजिटल चीज है। उसके वजह से पूर्वोत्तर में सड़कें बनाने का काम किस तरीके से करना है, वो कितने करोड़ रुपए उसमें लगेंगे, वो लगाएगी एमएचएआई। जो बुंदेलखंड में एक एक्सप्रेसवे बन रहा है इसमें जो नोड बन रहा है, और तमिलनाडु में एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, इस डिफेंस कॉरिडोर पर क्या डेवलपमेंट होने हैं ये तय करेगा डिफेंस डिपार्टमेंट और राज्य सरकार मिलके। उसके साथ जहाज पर कितना हम माल मंगाएंगे, हम आज के दिन में जो ट्रेन से हम जो माल ढो रहे हैं 170 बोगी की ट्रेन चल रही है, आप उस 170 में माल ढोना कितना आसान हुआ है ये भी देखिए। तो ये 16 डिपार्टमेंट को मिलाकर देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है ये आने आज नहीं दिखेगा। हम लोगों ने लक्ष्य क्या रखा है 2024-25 का, ये नहीं कोई कहे कि फीता इन्होंने कुछ किया नहीं हमने काट लिया, 2024-25 तक देश में आपको दिखेगा क्या विकास हो रहा है। वैसे ही आज उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, मैं यहां पर देखिए भारत जी
बोले आप शायद डाटा भूल गए हैं कि पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये देश 1947 से पहले भी था, 1947 के बाद 2014 तक भी था, तो जो विकास 1947 से 2014 तक भी हुआ था और आगे भी रहेगा, विकास तो करना पड़ेगा लेकिन किस रफ्तार से किया जा रहा है ये देखना होगा, क्योंकि 2014 तक जहां हम विश्व शक्ति बनने की ओर थे, जिस सुनिए पहले जहां हमारी अर्थव्यवस्था, अरे सुन भाई तो मैं डाटा बता रहा हूं ना, जहां हमारी अर्थव्यवस्था अपने पड़ोसी देशों से बहुत आगे थी वो आज हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए, नेपाल से पीछे चले गए। सुनिए अब 1970 से पहले कोरोना के समय में तो अच्छे अच्छे देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी, कोरोना के समय में तो अच्छे अच्छे देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। मैडम जी आप कहां भूल रहे हो, पूरा देश जानता है कि कोरोना अर्थव्यवस्था तो जब इन्होंने नोटबंदी की थी उसी समय से खत्म होना शुरू हो गई थी, जब ये जीएसटी को लेकर आए तो बची कुची कमर तोड़ दी और अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार थी वो कोरोना से पहले नीचे चली गई थी। ये कोरोना के नाम पे क्यों बार बार ठीकरा फोड़ रहे हो? कोरोना में इतना नहीं था, कोरोना से पहले हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो काफी नीचे चली गई थी। मान लिया चलिए मान लिया आपकी बात, 100 साल में पहली बार ये कोरोना बीमारी आई, आप लोगों के शासनकाल में एक बार भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। आपको आपसे सवाल है, बीच में मत बोलिएगा, पोलियो था और भी कई बीमारियां आई थी। अरे मैं उसी पर आ रहा हूं भूदेव जी, उसी पर आ रहा हूं भाई, चुप रहिए थोड़ा सा, आप सुन लीजिए। पोलियो जिस सन किस सन में विश्व में टीका आया, हिंदुस्तान में कब आया, मेरे पास डेटा है, मैं अभी बता दूंगा आपको। इंसेफ्लाइटिस का कब आया टीका, आप जो भी बीमारी बताएंगे। 21वीं सदी का भारत है। अरे रुक जाइए रुक जाइए, जब आदि जनसंख्या को टीका लग गया था, भुदेव जी ठीक है, आपके पक्ष में आपका काम जो है वो नाकामियों को गिनाना ही है, लेकिन जो अच्छी चीजें हुई हैं, जो जनता के हित में हुई है, कम से कम वो बातें तो मत भूलिए। नहीं तो इनका काम भी ये नहीं है कि 2014 से पहले कुछ हुआ ही नहीं, इस देश का निर्माण ही 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद ही हुआ, ये भी तो यही गिना रहे हैं ना। मैं गिना रहा हूँ 2014 तक कुछ हुआ ही नहीं इस देश में। सुन लीजिए मैं गिना रहा हूँ, आपने टीके की बात की, मैं गिना दे रहा हूँ, इतना जल्दी किसी भी बीमारी का टीका हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों द्वारा आपकी सरकार ने नहीं बनवाया, जितना बना के हमने लगा दिया। आप ही के वैज्ञानिकों का नाम आज तक प्रधानमंत्री नहीं बता पाए कि किसने टीका बनाया, कि कहां से टीका बन के आया। आप शर्म कीजिए, देश को गुमराह करते हो आप। हमसे पहले अमेरिका में इंग्लैंड में आधी जनसंख्या को टीका लग चुका था। सुनिए सुनिए तथ्यों पर बात कीजिए, आप तथ्यों पर बात करो, तथ्यों पे सुन लीजिए। जितने दिन में अभी मैं आपको दे देता हूं, लेकिन आज एक मैं अर्थव्यवस्था पर जवाब ले लीजिए, फिर टीके पर आता है, भटकाइए मत। अर्थव्यवस्था में एडीबी, जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, विश्व बैंक, सबने 8.5 से ऊपर कर दिया है कि 21-22 में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में सबसे बढ़िया होगी। हमने खरीदा नहीं उसको, सुन लीजिए, खरीदा नहीं है इतने, लेकिन विश्व बैंक कम कर चुका है, विश्व बैंक कम कर चुका है, आप देखिए क्यों बोल रहे हैं। अर्थव्यवस्था कैसी है, कितना विकास हुआ है, किसी और दिन बात करेंगे, किसी और दिन इसी मुद्दे पर हम डिबेट रखेंगे तब बात करेंगे, लेकिन आज देखिए कुशीनगर की बात हो रही है। आज बीजेपी की नजर भूदेव जी हिंदू वोटरों के साथ साथ बौद्ध धर्म के वोटों पर भी है, और इससे कितना नुकसान कांग्रेस को होने वाला है, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो वोट बैंक है वो विपक्ष के साथ रहा है हमेशा से। कांग्रेस है कहां देश में? देखिए बिल्कुल भी नुकसान कांग्रेस का नहीं है, क्योंकि आज पूरा देश जान चुका है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब राज्यों में चुनाव होते हैं उसी समय ये जातिवाद की, धर्मों की राजनीति करती है। अब ये बौद्ध धर्म की बातें करने लगे, थोड़े दिन बाद ये सिखों की बातें करेंगे, फिर हिंदुओं पर बातें करेंगे, लेकिन किसी भी राज्य में कहीं पर भी ये विकास को लेकर के बात नहीं करेंगे कि हम देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे या ना देंगे,
या लोगों के लिए हम कितना विकास करेंगे, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के, किसी भी राज्य में इनका विकास को लेकर कोई भी घोषणा पत्र हो या ना हो, लेकिन धर्म को लेकर के, जातिवाद को लेकर के, लोगों को बांटने को लेकर के ये सब काम करते हैं। भूदेव जी आप बता दीजिए, कांग्रेस 2022 में अगर आ गई, चुनाव जीत गई, वो कितना विकास करेगी? कांग्रेस पार्टी तो विकास करती आई है, विकास के नाम से ही वोट मांगती है। हम हर राज्य में जाते हैं, विकास के नाम से जाते हैं, देश के लोगों को बेरोजगार, युवाओं को रोजगार देने का काम, किसानों के मुद्दे पे, मजदूरों का। 2022 में अगर कांग्रेस आती है तो क्या करेगी देश के लोग? उत्तर देखो, कांग्रेस पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट दे रहे हैं, जिन महिलाओं का ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते रहे, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर आज उत्तर प्रदेश में सब कोई देख रहा है। तो हमारे कांग्रेस पार्टी केवल विकास के नाम पर वोट मांगेगी? कांग्रेस में कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ है? नहीं, कैसे सम्मान नहीं हुआ है? कांग्रेस पार्टी 40% महिलाओं को टिकट देगी, इससे पहले भी हर चीज में हम 33% महिलाओं को अपने आप पदाधिकारी बनाने में समर्थन दे रहे हैं। क्या कोई और पार्टी दे रही है इस तरह से? महिलाओं का सम्मान कैसे नहीं किया जाता? महिलाओं के सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी जो झूठे नारे देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिलाओं को रात को 12 बजे हमारी बेटियों को जला दिया जाता है, और इनके MLA MPO के द्वारा उनके साथ में जो घिनौने काम किए जाते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी है, ये हर किसी की आवाज उठाएगी, विकास के मुद्दों पे बात करेगी, इन फालतू नहीं। ठीक है जी, अभी आपने कहा कि बीजेपी की सरकार में ये हो रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का झूठा नारा दिया। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, आप अभी कहेंगे कि एक भी बेटी परेशान नहीं होगी, एक भी बेटी के साथ गलत काम नहीं होगा? बोलिए, देखिए देखिए, अभी ये बोलिए, बोलिए आप हमारी, बिल्कुल बोलिए कि नहीं होगा, सख्त से सख्त कार्रवाई। देखिए सख्त कार्रवाई देखिए, कार्रवाई तो अब भी हो रही है, बात तो वहीं आ रही है, कार्रवाई तो अब भी हो जाती है। कार्रवाई नहीं हो रही ना, कार्रवाई नहीं हो रही ना, किसी के साथ गलत नहीं होगा। अरे ये कार्रवाई है कि पूरे परिवार को जला दिया जाता है, ये कार्रवाई है? रात को 12 बजे बिना परिवार की उपस्थिति में जला दिया जाता है, इसको कार्रवाई कहते हैं? अरे कुछ असामाजिक तत्व अगर कुछ गलत करते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन वहां का कितना सख्त है, सरकार बिना कोर्ट के संज्ञान के कार्रवाई करती है कि नहीं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज बिना कोर्ट के संज्ञान के कोई कार्रवाई नहीं होती है, ऐसा कांग्रेस की सरकार में ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा। चलिए ठीक है भूदेव जी, एके मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए, आज से पूर्वांचल को साधने की बीजेपी ने कोशिश की है, बहुत मजबूत माना जाता है पूर्वांचल में बीजेपी को, तो ऐसे में पूर्वी यूपी की 156 सीटों पर किसका इस बार परचम लहराएगा, क्योंकि हिंदू वोटों के साथ साथ बौद्ध धर्म के वोटों पर भी अब बीजेपी की नजर है जी। देखिए सवाल ये है कि अगर हम हिंदू वोट की बात करें तो दिक्कत होती है, अरे हम हिंदू बौद्ध जैन और सिख इन सब की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? तो ये यहाँ के मूल धर्म है, यहाँ की धरती से पैदा हुए हैं, और बात भी इन्हीं की होनी चाहिए, इन्हीं के कल्याण की बात होनी चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। रही बात पूर्वांचल और आगामी चुनाव की, मैं अभी भी बोलूंगा, हालांकि मेरी शुभकामनाएं सभी पार्टियों को है, जो और पार्टियां हैं वो बड़ी नगण्य हो गई हैं। आप देखिए अभी भी ये फुल उसमें एक्टिव नहीं है, संगठन के तरीके से देखिए तो इनका बूथ मैनेजमेंट नहीं है, बूथ मैनेजर है कि नहीं है, गांव गांव तक पहुंच है कि नहीं है, कुछ जगह चुनावी रैलियां कर लेने से और कुछ वादे कर देने से कि हम आएंगे ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। टाइम बताइए, मैसेज बहुत नए दल भी हैं, स्पेशली पूर्वांचल में बहुत नए तरह की चुनौतियां हैं, नई नई पार्टियां आई हैं, पुरानी एस्टेब्लिश पार्टियां ऑलरेडी हैं, तो बहुत ही क्रिटिकल और मल्टी डायमेंशनल चैलेंज यहां पे सत्ताधारी जो पार्टी है बीजेपी के द्वारा क्रिएट की जाएंगी, दी जाएंगी अपने विपक्ष को, चाहे वो सपा हो बसपा हो। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने तो अपना महाप्रयोग कर लिया था अखिलेश यादव के साथ मिलके, अब की बार शायद प्रियंका दीदी को आगे कर रहे हैं, देखते हैं उनका प्रयोग क्या होता है, अभी तो बहुत इनिशियल वे रिजल्ट आ रहा है। लेकिन मैं डेफिनेटली एक चीज बोलूंगा, देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कॉन्सेप्चुअल बात करें अगर हम, कोई भी पार्टी यहाँ पे जो बैठी है उनसे पूछिए जरा कि यूपी के लिए या पूर्वांचल के लिए 5 कौन कौन से चैलेंजेस हैं डेवलपमेंट के और उनका सलूशन क्या है, इनकी पार्टी आएगी तो क्या सलूशन देगी?
कोई लॉजिकल आंसर नहीं होगा। पॉलिटिकल स्टेटमेंट जरूर होगा, हम आएंगे तो ये फ्री देंगे वो देंगे, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है सर, वो वेलफेयर होता है जो कि गवर्नमेंट सब्सिडी के थ्रू देती है अपने पब्लिक को। किसी भी पैरामीटर पे अगर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करें तो जो करंट गवर्नमेंट है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रिंसिपल बेस्ड अगर ये देखा जाए तो बहुत सही डायरेक्शन में ये चल रहे हैं। रिजल्ट अभी आपको नहीं आएंगे, मैं ये भी बोलता हूँ, रिजल्ट आने में वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, फिर उसका जो है रिजल्ट आने में और लोगों की परिस्थिति बदलने में समय लगता है, रातों रात लोगों की परिस्थितियां नहीं बदल जाती हैं। चलिए ठीक है, ठीक है एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी ठीक है, आपकी बात सुन ली। कीर्ति जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी अहम बात कही, उन्होंने कहा कि 2017 तक माफियाओं को खुली छूट थी और कुछ लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का ही विकास किया है। देखिए पारुल जी, जी माननीय प्रधानमंत्री जी को शायद अपनी सरकार के गृह मंत्री के बेटे नहीं नजर आते जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। माननीय प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं नजर आते जिन्होंने हाथरस में अपराधियों को बचाने के लिए खुली पंचायत किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने पार्टी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर नहीं नजर आते जिन्होंने एक पूरे परिवार को तबाह बर्बाद कर दिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने पार्टी का एमएलए नहीं याद है, सुल्तानपुर के लम्बुआ के विधायक देवप्रिय उपाध्याय जी ने जिन्होंने विशेष जाति के अपराधियों के एक सूची जारी किया था और माननीय मुख्यमंत्री से पूछा था कि इस पे कार्रवाई कब होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को पहले अपने घर में देखना चाहिए और तब किसी के ऊपर टिप्पणी करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अपराधियों का बोलबाला है और उसका हल श्रेय है कि अपराधी तो अपराधी, पुलिस के लोग भी इनकी सरकार में गुंडे हो गए, चाहे गोरखपुर के अंदर दोनों घटनाएं हुई, एक घटना मनीष गुप्ता के साथ हुआ और दूसरी घटना एक साइना के साथ हो गया, एक पुलिस वाले ने उसकी प्रेरित करके हत्या करा दिया। ये षड्यंत्र पुलिस के लोग भी हत्या कर रहे हैं और अपराधी तो अपराध कर ही रहा उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है कीर्ति जी, एक छोटा सवाल और करना चाहूंगी यहाँ पर। पूर्वांचल में बीजेपी और सपा की एकदम कड़ी टक्कर है, तो ऐसे में आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो शुरुआत कर दी, अब सपा क्या कुछ करेगी? देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे रथ यात्रा विजय रथ यात्रा लेकर के निकले थे और ये रथ यात्रा लगातार चलेगी। आज उसी के क्रम में ओम प्रकाश राजभर जी भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की है और हमें पूरी उम्मीद है कि छोटे छोटे दल आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनाने का काम। चलिए ठीक है कीर्ति जी, और अब समय नहीं है इसीलिए मुझे इस डिबेट को यहीं पर ख़त्म करना होगा। आप सभी का, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय निकालने के लिए और हमें देने के लिए। तो ऐसे में आज कुशीनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन 2022 की शुरुआत कर दी। कुशीनगर पूर्वांचल का एक बड़ा जिला है जहाँ से राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते हैं, और ऐसे में अब आने वाले समय में कितने समीकरण बनाए जाएंगे और कितने बिगाड़े जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। और जिस कुशीनगर से जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन 2022 की शुरुआत की है और जो पूर्वांचल काफी बीजेपी का मजबूत माना जाता है, उसमें बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है, उससे बीजेपी को कितना फायदा पहुंचेगा ये तो वक्त ही खैर बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया।